यूपी के हाथरस जनपद में इन दिनों एक पुत्र वधु न्याय के लिए पुलिस मुख्यालय के चक्कर लगा रही है। दरअसल मामला कोतवाली क्षेत्र के हाथरस जंक्शन के एक गांव का बताया जा रहा है, जहां 5 साल पूर्व में पीड़ित की शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार की गई थी और शादी के 1.5-2 साल बाद भी जब पीड़िता को कोई संतान नहीं हुई तो उसके ससुर ने जबरन उसे अपनी हवस का शिकार बनाने लगा, जिसका विरोध करने पर पीड़िता के साथ मारपीट और घर से बाहर निकलने की धमकियां देने लगा, जिससे परेशान होकर पीड़िता अपने मायके पहुंची और अपनी आपबीती अपने परिजनों का बताई, जिसके बाद उसके परिजनों ने उसे पुलिस के पास जाने की सलाह दी और पीड़िता पुलिस के पास न्याय के लिए भटकती रही, मगर पुलिस से भी कोई मदद नहीं मिलने पर पीड़िता ने बड़ी उम्मीद के साथ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और न्यायालय पहुंचकर पीड़िता ने अपनी बात लिखकर न्यायालय के समक्ष पेश की, जिसके बाद अब पुलिस इस मामले की जांच करके दोषी लोगों पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि पीड़िता के पति और सास को भी इस जोर जबरदस्ती दुष्कर्म करने की जानकारी है, मगर ससुर के आगे वे भी चुप रहते हैं। पेश है हमारे हाथरस के संवाददाता रवि कुमार और कैमरामैन फैजान बेग की यह खास रिपोर्ट। क्या घटना हुई आपके साथ में? मेरे साथ ये घटना हुई थी कि मेरे ससुराल ससुर 6 महीने शादी को हो गए थे, उसके बाद मेरे साथ खाली कमरी लेके मेरे साथ कई बार रेप किया था। मैंने अपने पति को बताया, उन्होंने अनसुनी कर दी थी। सास को बताया। जैसे आप थाने गए थे तो थाने वालों ने नहीं सुना, क्या हुआ? थाने वालों ने कुछ नहीं सुना था। क्या कह दिया थाने वालों ने? तो कुछ नहीं सुना उन्होंने तो कुछ नहीं बोला था। तो फिर आप जो न्यायालय आए, न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो न्यायालय से न्यायालय का थाने में नहीं सुनवाई हुई, तब हमने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। जैसे कि क्या घटनाक्रम रही आपके साथ में? जो मेरे साथ रेप किया गया था, मेरे ससुर ने खाली कमरे में कर ले जाके मेरे साथ कई बार रेप किया है। अच्छा, तो इसके बाद की आपके पति को जानकारी है? हाँ, पति को जानकारी थी। पति ने फिर घर से निकालने की कोशिश धमकी दी है। और माँ से जैसे बात अपनी सास को बताया, क्या कहा सास ने? सास ने कहा सुनी की थी, उन्होंने भी कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। नहीं, कितने साल हो गए आपकी शादी को? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए, तो मतलब बच्चा बच्चा नहीं है आपके पास? नहीं है, बच्चा नहीं है, तभी मेरे ससुर ने ऐसा काम किया था। बच्चा नहीं है इसी बात को लेकर? इसी बात को लेकर किया था। क्या कहते हैं ससुर जो बच्चा नहीं हो रहा है इस? कि शिवम ने तो बहुत वो जो मतलब दम अपनी वो कर ली, अब मैं देखता हूँ कैसे बच्चे नहीं होंगे। अच्छा, आपके ससुर ने कहा? हाँ। तो आपके साथ में कई बार उन्होंने गलत काम किया? ये बात भी सबको भी पता पड़ गई, उसके बाद में भी कई बार कर लिया बना। तो फिर आप जो है इस मामले में आपने अपने परिवार वालों को बताया, तो क्या परिवार वालों आपकी सहायता सहयोग कर रहे हैं? तो आप न्यायालय आए यहाँ हाथरस? न्यायालय